प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 में सत्ता से बाहर करने का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सपना है और इसी सपने को पूरा करने के लिए पिछले 10 महीने से सीएम नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए हैं। सीएम नीतीश कुमार की मुहिम रंग भी लाने लगी थी। तय हो गया था कि पटना में विपक्ष के दिग्गजों का महाजुटान होगा। एकजुट विपक्ष पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन करेगा। विपक्षी ताकत की ऐसी लकीर खींची जाएगी जिसको पार करना पीएम मोदी एंड टीम के लिए बड़ी मुश्किल होगी। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सपनों को आज बड़ा झटका लगा जब पता चला कि 12 जून को पटना में होने वाली बैठक में राहुल गांधी और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल नहीं होंगे। एक झटका तब और लगा जब अरविंद केजरीवाल के भी बैठक से दूरी बनाने की खबर सामने आई। ऐसे में सवाल है कि क्या सीएम नीतीश कुमार खामखा बेवजह ख्वाब बुनते आ रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। नीतीश की मुहिम पर ग्रहण, आपने भी दिया नीतीश को झटका। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक ऐसा ख्वाब बुन रहे हैं जिसको हकीकत में ढालने की जिम्मेदारी पूरे विपक्ष पर है। लिहाजा 12 जून को पटना में विपक्ष की बहुत बड़ी बैठक बुलाई गई है। लेकिन सीएम नीतीश कुमार की बैठक को कांग्रेस ने आहिस्ते से बड़ा झटका दिया है। 12 जून को पटना में विपक्षी एकता को लेकर होने वाली बैठक में कांग्रेस का टॉप लीडरशिप शिरकत नहीं करेगा। पूरी खबर समझिए। 12 जून को पटना में विपक्षी एकजुटता को लेकर बैठक है। बैठक में पूरे देश के विपक्ष के दिग्गज नेताओं का जुटान है। आखिरी समय में कांग्रेस ने बैठक को लेकर बड़ा झटका दिया है। मंथन में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल नहीं होंगे। कांग्रेस की ओर से कोई और नेता प्रतिनिधित्व करेगा। कांग्रेस की दलील है कि राहुल गांधी इस समय विदेश दौरे पर हैं, लिहाजा राहुल गांधी मीटिंग में शामिल नहीं हो पाएंगे। अब उसमें कोई एक चीफ मिनिस्टर आने वाले हैं, एक और कोई कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता आएंगे, इतना मैं आपको अभी कह सकता हूँ। राहुल जी भी आएंगे? नहीं, राहुल जी तो बाहर हैं, विदेश में हैं। अगर ये मीटिंग बाद में होती तो राहुल जी भी आते। 12 जून को होने वाली बैठक से पहले ही विपक्षी एकता का दावा कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। लेकिन डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पूरे मामले को क्लियर किया है। उन्होंने बताया कि घबराइए नहीं, बैठक काफी पॉजिटिव होगी, सभी दलों से बातें हो चुकी हैं। आप बता रहे हैं, धैर्य रखिए। अरे बहुत अच्छी बैठक होगी और आप सब लोगों को बता दिया जाएगा, कुछ चिंता वाली बात नहीं है, एवरीथिंग इज पॉजिटिव। राहुल गांधी की बैठक से दूरी की खबर जैसे ही बाहर आई, बीजेपी को तंज कसने का मौका मिल गया। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह की दलील है कि विपक्ष की एकता एक मजाक है, नीतीश कुमार पिकनिक पार्टी कर रहे हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री दौड़ प्रतियोगिता आयोजित किया है और उस प्रतियोगिता के मुख्य प्रतिभागी भी खुद हैं। एकता ये एक मजाक है, श्री नीतीश कुमार जी ये पिकनिक पार्टी कर रहे हैं, ये प्रधानमंत्री दौड़ प्रतियोगिता आयोजित किए हैं और उस प्रतियोगिता के अपने भी मुख्य प्रतिभागी हैं। विपक्ष में एकता किधर नजर आ रहा है? किसके नेतृत्व में विपक्षी एकता यहाँ बैठेगी? कहीं का ईंट कहीं का रोरा, भानुमती जी ने कुनवा जोड़ा, बिहार के अंदर तो विपक्षी एकता बनी नहीं रही है। खबर ये भी है कि 12 जून को होने वाली विपक्ष की बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी नहीं आ रहे हैं। हालांकि महागठबंधन के नेताओं की दलील है कि बैठक होने दीजिए, कौन आ रहा है, क्या कार्यक्रम है, ये सारी जानकारी समय आने पर दी जाएगी। भाजपा मुक्त भारत बनाने का संकल्प लिया जाएगा। अब कौन विपक्षी दलों के पार्टियों से कौन नेता आ रहे हैं, कौन नहीं आ रहे हैं, क्या क्या कार्यक्रम होगा, ये सारे चीज़ों की जानकारी महागठबंधन के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा समय आने पर दे दी जाएगी। विपक्ष के सभी प्रमुख दलों की बैठक होनी है, इसमें आगे की रणनीति तैयार होगी, अधिकाधिक दल शामिल होंगे, उनके सभी प्रमुख नेता आएंगे,
आने वाले समय में सभी स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी, लेकिन कुछ लोग पहले से कयास लगा रहे हैं। विरोधियों को यह बात पच नहीं रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग अंदर से सशंकित हैं। विपक्ष के महामंथन में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, एनसीपी चीफ शरद पवार, यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ तेलंगाना के सीएम केसीआर और लेफ्ट पार्टियों के नेता शामिल हो सकते हैं। हालांकि अभी तक किसी ने पटना दौरे की पुष्टि नहीं की है। रजनीश, जी मीडिया, पटना।